ऑल राइट गाइज, अगर आप भी इस तरह का डीजे गाने का वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह का डीजे गाने का वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। टोटल चीज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में एक और नया डीजे एबी प्ले टेम्पलेट को मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टेम्पलेट के अंदर वीडियो एडिटिंग सीखने वाले, ठीक है। तो सिंपली आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन का आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है एबी प्लेयर एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तभी आप इस तरह का जो वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको एबी प्लेयर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एबी प्लेयर एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, ठीक है। जब भी ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये टेम्पलेट आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो अभी आप मेरा वीडियो को देखे हो, ठीक है, उन टेम्पलेट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसको आपको एबी प्लेयर के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो ही आप उस तरह का जो वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड करना है, तो टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको चले आना है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है, इन टेम्पलेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो, इन टेम्पलेट का नाम है ट्रेंडिंग टेम्पलेट करके, इस टेम्पलेट का नाम है ट्रेंडिंग टेम्पलेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको किसी भी तरह ढूंढने का प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे सर्च में जा करके यहाँ पे सर्च करोगे ट्रेंडिंग टेम्पलेट, यहाँ आपको टेम्पलेट आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पर मैं बहुत सारे टेम्पलेट वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको क्या करना जाना है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को भी मेरे जो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में भी इस टेम्पलेट के अंदर आपको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टेम्पलेट है ये जीप फाइल में, ठीक है, इसमें लॉक लगा हुआ है। इसमें 3 डिजिट का जो मैं लॉक लगा करके रखा हूँ, तो आपको क्या करना है, इसमें उस पासवर्ड को इसमें डाल करके इसको अनलॉक करना पड़ेगा, अनजीप करना पड़ेगा ये जीप फाइल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। स्क्रीन पर ही मैं थर्ड स्टेप तक करते करते मैं आपको पासवर्ड को शो करा दूंगा। पहले स्टेप में एक पासवर्ड को शो कराऊंगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में एक पासवर्ड को फिर से, उसके बाद एक पासवर्ड को फिर से मैं शो कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्क्रीन पे ही कहीं के पे पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड देखने के बाद में भी आपको अनलॉक करना नहीं आता है, ठीक है, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो वगैरह देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैं अनजिप करना भी सिखाया हूँ। जेट अनजिपर करके एक एप्लीकेशन होता है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है और उससे आपको क्या करना है, पासवर्ड डाल करके टेम्पलेट को अनलॉक कर लेना है। कि अगर आपको नहीं करना है तो पिछले वाले वीडियो को आपको देख सकते हो, उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा किस तरह से अनजिप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको एबी प्लेयर एप्लीकेशन के अंदर आपको आना है। आने के बाद सिंपली टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद अपलोड फाइल्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी फोल्डर में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उस टेम्पलेट को डाउनलोड करके रखे हो, सिंपली उन टेम्पलेट को यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे उस टेम्पलेट को ढूंढ लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, जो पासवर्ड डाल करके जिसको अनजिप किया उसी टेम्पलेट को यहाँ पे आपको ढूंढना है, ठीक है। मैं जाता हूँ एबी प्लेयर फोल्डर के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर मैं उस टेम्पलेट को रखा हूँ, तो सिंपली उस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंडिंग टेम्पलेट करके उसका नाम था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये जीप फाइल में इसमें लॉक लगा हुआ है, तो इसमें मैं लॉक यहाँ पे पासवर्ड डाल करके इसको मैं अनजिप किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि जिस टेम्पलेट में आप पासवर्ड डाल करके अनलॉक किए उस टेम्पलेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब सिलेक्ट कर लोगे तो लास्ट में आपको एक खाली बॉक्स आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में खाली बॉक्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब भी क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का जो टेम्पलेट आपको दिखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें अपना फोटो को लगाना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज करके एक ऑप्शन होगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे, इसमें क्लिक करना है और इसमें जनरल में क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक विजुअल करके एक ऑप्शन होगा, बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज करके इसमें आपको टिक लगा देना, अनटिक होगा तो इसको टिक लगा। जब टिक लगा दोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे लगा करके रखा हूँ। अगर आप किसी दूसरे इमेज को लगाना चाहते हो उसके लिए फिर से आपको क्या करना है, पेंसिल पर क्लिक करना है, फिर से आपको उसी इमेज के ऑप्शन में आपको चले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें क्लिक करना है। कस्टम इमेज का खाली बॉक्स में क्लिक करना है, पिक इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी इमेज को आप लगाना चाहते हो उस इमेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी एक इमेज को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से भी आपको जिस इमेज को लगाना चाहते हो उस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो मैं इस वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा इमेज जो बैकग्राउंड के अंदर लग चुका है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना, फिर से पेंसिल पर क्लिक करना है, उसका स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे चैनल लोगो करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नीचे वाला सेकेंड इमेज है, यहाँ पे आप देख चैनल लोगो, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद
इमेज में क्लिक करके, कस्टम इमेज में क्लिक कर, पिक इमेज में क्लिक करके अपना चैनल का जो लोगो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा हार्ट बीट रिमिक्स करके यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो शो हो रहा है। तो आपको क्या अगर अपना चैनल का लोगो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको एडिट कर लेना है। अगर आप जिस सॉन्ग पे बनाना चाहते हो उस सॉन्ग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, लाइब्रेरी में क्लिक करके अपना सॉन्ग को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी सॉन्ग पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरा जो वीडियो यहाँ पे बन करके रेडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको भी बना लेना। सिंपली इसको गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जितना एचडी करना चाहते हो उतना एचडी यहाँ पे चूज प्रीसेट पे क्लिक करके उतना एचडी सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्पॉट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब ये स्पॉट पे क्लिक कर दोगे तो आपका वीडियो जो सेव गैलरी में होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको भी कर लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों, बाय।